जंगल के करीब बसा हुआ था। जंगल के करीब बसे हुए होने की वजह से वहाँ के जंगली सुअर अक्सर उस गांव में घुस जाया करते थे और गांव वालों के खेतों को नुकसान पहुँचाया करते थे। भाई, ये जंगली सुअरों का आतंक तो अब बढ़ता ही जा रहा है। हमें इन्हें रोकना होगा, नहीं तो ये हमारी सारी खेती यूं ही बर्बाद करते रहेंगे। भाई, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम उस रास्ते पर एक लोहे की बाड़ बना दें, जहाँ से अक्सर जंगली जानवर गांव में घुसते हैं। अरे मुरारी भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम बाड़ बनवाएं। मेरे पास एक आसान रास्ता है इन जंगली जानवरों को सबक सिखाने का। फिर रात होने पर कालिया एक तरबूज में गोला बारूद भरकर उस रास्ते पर रख देता है जहाँ से अक्सर जंगली जानवर गांव में आया करते थे, और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। अब मजा आएगा जंगली सुअर, अब तुझे मजा चखाऊंगा। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जंगल से एक हथिनी निकलकर उस रास्ते पर आती है। रास्ते में तरबूज देखकर वो खुश हो जाती है। अरे अरे नहीं नहीं, ये तरबूज तो मैंने जंगली सुअर के लिए रखा था। ये हथनी कहाँ से आ गई? मुझे इसे रोकना होगा। फिर वह हथनी की ओर दौड़ता है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो हथनी उस तरबूज को खा लेती है। तरबूज खाते ही उसके मुंह में जोरों का विस्फोट होता है और हथनी का मुंह बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। हथनी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसकी चिंघार सुनकर कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे कालिया भाई, इस हथनी को क्या हुआ? इसका मुंह तो बुरी तरह से जख्मी हो गया है, ऐसा कैसे हुआ इसके साथ? अरे भाई, जंगली सुअरों को सबक सिखाने के लिए मैंने एक तरबूज में विस्फोटक भर कर रखे थे, लेकिन ये हथनी पता नहीं कहां से आ गई और तरबूज खा गई और इसके मुंह में विस्फोट हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। हमारे गांव में सदियों से इन हाथियों को पूजा जाता है और आज हमने उसी पूजनीय हाथी की ये क्या दुर्दशा कर दी। भाई, एक तरफ तो हम एक जानवर की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उन जंगली सुअरों को जान से मारने की कोशिश करते हैं। उन बेजुबानों को भी तो भगवान ने ही बनाया है। तुम सही कहते हो भाई, लगता है इसी सोच के कारण भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार नहीं की। फिर वह हथनी दर्द में तड़पती तड़पती जंगल के अंदर चली जाती है। उसकी चीख पुकार सुनकर एक चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है। अरे, इस हथनी को क्या हुआ? इसका मुंह तो बुरी तरह से जख्मी है। फिर वह चुड़ैल उड़ती हुई उस हथनी के पास जाती है। हथनी उस चुड़ैल को देखकर डर जाती है। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? फिर हथनी उसे पूरी बात बताती है। अच्छा, तो ये सब इन इंसानों की करतूत है। मुझे तो पहले ही इन इंसानों पर भरोसा नहीं था। मैं तुम्हारे जख्मों को तो ठीक नहीं कर सकती, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम्हारी पीड़ा कुछ कम जरूर हो सकती है। तुम पास में बनी नदी में चली जाओ, नदी के पानी से तुम्हारी जलन कुछ कम हो जाएगी। फिर हथनी चुड़ैल की बात सुनकर गांव में बनी नदी की ओर चली जाती है। सभी गाँव वाले भी उस हथनी को देखने के लिए उस नदी के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। वो बेचारी हथनी नदी के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। भाई, हमें इस हथनी की मदद करनी चाहिए, क्या पता हमारी मदद से ये ठीक हो जाए। फिर दो गांव वाले हाथी पर सवार होकर नदी के अंदर जाते हैं। दूसरे हाथी अपनी सूंड की मदद से उस हथनी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हथनी जख्म के कारण बहुत कमजोर हो चुकी। अरे बिल्लू भाई, लगता है अब कोई फायदा नहीं है, ये बहुत कमजोर हो चुकी है।
कीड़ा भाई, इसके पेट की ओर तो देखो, लगता है ये गर्भ से है। हाँ भाई बिल्लू, तुम सही कहते हो, ये तो गर्भ से है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तभी हथनी के गर्भ से होने की बात नदी के किनारे खड़े गांव वालों को पता चलती है। अरे सुषमा, तुमने सुना, ये बेचारी हथनी तो गर्भ से है। हाँ बहन, इस बेचारी हथनी के साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम गांव वाले इसके बच्चे को कैसे बचाएं? भाई पानी बहुत गहरा है और लगता है अभी बच्चे के जन्म का समय भी नहीं आया है, हम इसके बच्चे को नहीं बचा सकते। तभी ये सब बातें वहाँ पेड़ पर बैठी चुड़ैल को पता चलती है। अरे ये क्या, इसके पेट में तो बच्चा भी है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। फिर जैसे ही चुड़ैल पेड़ की छांव से बाहर निकलती है और सूरज की रोशनी से जल उठती है। अरे नहीं, ये क्या, मैं तो भूल ही गई, मैं सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकती, क्या करूं, इसकी मदद कैसे करूं? हे भगवान, मैं मानती हूँ मैं धर्म के रास्ते पर कभी नहीं चली, इसीलिए मैं चुड़ैल बनकर इसकी सजा भुगत रही हूँ, लेकिन आज मुझे इस हथनी के बच्चे को बचाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। मैं सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकती, कृपा करके मेरी मदद कीजिए, ये गांव वाले इस हथनी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे, हे भगवान अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए। वहीं दूसरी तरफ हथनी बेहोश होने लगती है और धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। अरे भाई जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो इस हथनी के साथ साथ इसका बच्चा भी मर जाएगा। लेकिन हम इसकी मदद कैसे करें भाई, हम इंसान अब इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर बिल्लू और हीरा हाथियों की मदद से उस हथनी को पानी से ऊपर रखने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो हथनी पानी में और डूबने लगती है। हीरा भाई, कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम इसे नहीं बचा पाएंगे, ये तो पानी में ही डूबती जा रही है, अब क्या करें? ये सब देखकर कालिया को बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा होता है। हे भगवान, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही आपके बनाए हुए जीव को मारने की कोशिश करी थी, मैं भूल गया था कि आपके बनाए हुए प्रत्येक जीव में आपका वास होता है, मुझे अपनी गलती स्वीकार है भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे किए की सजा इस हथनी के बच्चे को मत दीजिए, अब आप ही कुछ कीजिए भगवान, हम इंसान इसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं, काले बादल सूरज को अपनी आगोश में ले लेते हैं और दिन में ही अंधेरा हो जाता है। अरे बहन, ये अभी तो दिन था, ये अचानक से दोपहर में रात कैसे हो गई? हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। तभी गांव वालों को डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वो चुड़ैल बाहर निकल आती है और नदी के ऊपर उड़ने लगती है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये दो दिन में बाहर नहीं निकल सकती थी, परंतु आज कैसे आ गई? भाई तुम देख नहीं रहे हो, आज दिन में ही अंधेरा हो गया है, ये सब ऊपर वाले की लीला है, इस चुड़ैल को स्वयं भगवान ने भेजा है ताकि वो इस हथनी की मदद कर सके। फिर वो चुड़ैल नदी के अंदर चली जाती है, तभी वो हथनी भी दम तोड़ देती है और पानी में डूब जाती है। अरे बिल्लू भाई, हथनी ने तो अपने प्राण त्याग दिए, अब इसके बच्चे का क्या होगा? तभी पानी में से चुड़ैल बाहर निकलती है, उसकी गोद में एक हाथी का बच्चा होता है, सब गांव वाले उस हाथी के बच्चे को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वह चुड़ैल उस बच्चे को किनारे पर रख देती है और वहां से चली जाती है। तभी वो काले बादल भी हट जाते हैं और वापस से दिन हो जाता है। फिर सब गांव वाले उस हाथी के बच्चे को बहुत सारा प्यार देते हैं और उसका पालन पोषण करने लगते हैं और भगवान से माफी मांगते हैं। हे भगवान, आज के बाद हम किसी भी जीव को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, सब जीव आपके ही बनाए हुए हैं, हम अब से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे।